कष्ट हुआ, घबरा गए, क्या करना चाहिए। यह चिंता व्याप्त हो रही है कि बिना प्रभु के अवतार लिए इन दुष्टों का, इन राक्षसों का विनाश कैसे होगा। भगवान ने दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार ले लिया है। यही में से दे और अपना जीवन कृतज्ञ कर लूंगा। बहुविध तरत मनोरथ जात लागे नहीं पार, मंगल सरूषे देवूप पधार रहे हैं, इसलिए आप उनसे मिलने की तैयारी कीजिए। चलिए समस्त समाज सहित आ जाओ भाई। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम जात हो। आयुष्मान राजन, आयुष्मान भव, आइए आसन ग्रहण कीजिए। चरण पकार की अति पूजा तो संग पूजा। गुरुदेव, आज मेरे समान कोई धन्य नहीं है कि आपके पावन चरण मेरी इस अयोध्या में पड़े। पुनि चरण मेरे सुत चाली राम देख मुनि देव सारी। हे पुत्रों, गुरुदेव हमारे यहां पधारे हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। आयुष्मान हो तात, आयुष्मान हो। गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया तो दीर्घायु हो, दीर्घायु हो। गुरुजी के चरणों में आयुष्मान बाबू, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया तो आयुष्मान पुत्र, आयुष्मान बाबू। कहिए किस कारण से आगमन हुआ। यही कारण आगमन
हूँ, मुझे बहुत परेशान करते हैं, वो यज्ञ तप और उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करने में अवरोधक बनते हैं। इसीलिए आज मेरा आपके यहाँ आगमन हुआ, मैं आपके साथ अब बड़े भ्राता राम और छोटे भ्राता लक्ष्मण को अपने साथ लेने आया हूँ राजन। अनुज समेत देव बड़े भ्राता राम और अनुज भ्राता छोटे लक्ष्मण को मेरे साथ दो, मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और उन राक्षसों के वैभव से निरी होना चाहता हूँ। देव भूप मल हरस के तजे मोहे ज्ञान धर्म सुयसन का तुम कहे इलके हे राजन, आप प्रसन्नचित होकर अपने दोनों पुत्रों को मेरे साथ भेजो और इनका इसमें इनका भला है और एवं धर्म की रक्षा भी होगी। चौथे पल पाए आपने विचार कर वचन नहीं कहे, मैंने चौथेपन में इन पुत्रों को पाया है। मांगई वो सब दे सकता हूं, समस्त चीज सहन करके मैं आपको दे सकता हूं, परंतु आपने शायद वचन विचार कर नहीं कहे। मांग लो राम क्या
समझावा नत संदेह नाच के पावा। हे गुरुदेव जी रहा ये मेरे कोमल सुकुमार और कहां वो बड़े बड़े राक्षस, आप इनकी कोमलता का विचार करिए। हे राजन आप प्रसन्न होकर के दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी के लिए दीजिए। आप हृदय में किसी प्रकार की ग्लानि को अति आदर दूं तने बुलाए हृदय राम।